आसामवा जंतर मंतर पे मौजूद हैं, क्या कहेंगी? अरे कौन कह रहे हैं ऐसे, तुम क्या, तुम्हारे कहने से मेरे भगवे का अपमान हो गया? ठोक दूंगी भगवे का अपमान नहीं कोई कर सकता। तो क्यों फिर बवाल मचा हुआ? कौन बवाल मचा? हाँ तो हम भैया, तुम सबकी बात मत करो ना, तुम पठान पे बात करो। हाँ भगवे पे अपमान कर रहा है तो भगवे पे अपमान कर रहा है तो बेइज्जती कितनी हो रही है? ये नहीं तुम्हें दिखता क्या कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है उसकी? कहाँ बेइज्जती? हाँ तो और क्या उसको क्या तो, अरे वो तो सीन क्या, अभी तो बहुत कुछ कटेगा, अभी तो ये हिट गया है। हाँ तो सुपर हिट तुमने ही किया है, कोई हमने नहीं किया। हमने तो उस गंदे आदमी को देखा तक भी नहीं है, वो कैसा है समझ आई ना? हम तो उसकी शक्ल भी पसंद नहीं करते, और मुझे तो कहीं मिल जाए मैं तो जूते फेरू उसके मुंह पर जितनी उसने है? मुस्लिम तुम्हारे शाहरुख खान के जो है, मुस्लिम एक्टर से क्यों ऐसे अपमान करते हैं? अपमान इनको भैया, इनका एक ही एजेंडा है और ये यही करते हैं। इनको अपमान के सिवा कुछ मिलता नहीं है। गजवा हिंद इनका है कि हम गजवा हिंद बनाए, पर याद रखना कि गजवा हिंद नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू धर्म पे ऐसे डायरेक्टर है पिक्चर का, हैं? हिंदू धर्म पर क्यों ऐसा किया का? अरे भाई मैं कहती हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, जिसका बायकॉट जनता ने कर दिया, सनातनियों ने कर दिया, ये कहीं थिएटर में आपको नजर नहीं आएगी। फिर इसकी डेट आगे क्यों बढ़ा दी? फिर बॉलीवुड वाले उनकी मिन्नत क्यों कर रहे हैं? योगी जी की क्यों मिन्नत कर रहे हैं? नहीं चलेगी। याद रखना, ये तो वहां बैठ के बोल रहा है ना, गलती से अगर यहाँ होता ना अब तक वो पिट गया होता बुरी तरह से। हिंदू धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है? हिंदू धर्म को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम जैसे बीच में जो मीडिया वाले होते हैं ना, बार 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 एक चीज को बोलते हो, इसलिए टारगेट किया जाता है। हिंदू धर्म को टारगेट करने वाला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, समझ आ गई तुम्हें? हिंदू, अरे पीके पीके, हाँ हाँ तुम कहोगे, तुम कहोगे, तुम ये बात बोलोगे क्योंकि पठान के लिए हम बोल रहे हैं तो तुम बोलोगे, क्योंकि तुम्हें दुख रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है कि पठान के लिए क्यों बोल रहे हो, है ना? वो जिहादी के लिए क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही बोलूंगी, जहां मेरे सनातन का अपमान होगा ऐसे ही बोलूंगी, ऐसी तैसी ऐसे ही फेरूंगी। मेरे सनातन का अपमान मर करने वाला किसी के बाप में दम नहीं है। और अब वो हमारे वो आ रही है ना गदर 2, वाह क्या बात है, देखना हम उसको कैसे आगे लेकर जाएंगे। गदर 2 जाएगी, हाँ सनी देओल का बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? सनी देओल ने पोस्टर फाड़ने वाले को जेल में डाल दिए। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ सर? अंदर भी तो इंसान ही जाते हैं, कोई भेड़ बकरियां पड़ी अंदर, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पसंद कर रहे हैं सन्नी देओल भैया, हमारा गदर 2 फर्स्ट क्लास सन्नी देओल, हमारा हीरो, हमारा जट है। अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या सन्नी देओल पाकिस्तान नहीं जाएगा? पाकिस्तान जाएगा, तो हिंदू ही है, देखिए दीपिका हिंदू है ना। अरे कोई भी हो, मैं आपको बता दूं, कोई नेता हो कोई अभिनेता हो, दीपिका हिंदू है, शाहरुख मुस्लिम है, वो दूसरा हिंदू है जिसने लिखी जिसने बनाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको रुको भैया रुको, जहां पर मेरा मेरे सनातन का कोई नेता हो कोई अभिनेता हो, वो ऐसी तरह से बायकॉट होगा, इसी तरह से बेइज्जती करेगा भगवे। अरे जेएनयू में खड़े हो गए तो हम दीपिका का विरोध कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो खड़ी हो गई तो वो सकी मेरी बेटी भी होती तो विरोध इसी तरह से होता, इसी तरह से विरोध होता, चाहे वो मेरे घर में जन्मे हिंदू में। बिल्कुल, जो देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो देश का विरोध करेगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो कहलाएगा। मनोज तिवारी है, बीजेपी सांसद। अरे वो भैया मुझे पता आप लोग बोलोगे, वो मनोज तिवारी है, वो माताजी वो है ना, अब माताजी रवि किशन है, मुझे पता है। तुम मीडिया वाले इतने मसाले लगाते हो, आधे से ज्यादा तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया हमें। अब नहीं, साउथ साउथ हमेशा सत्य दिखाता है और सनातन के लिए सही दिखाता है, इसलिए साउथ की मूवी का ये लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन की भावनाओं को हाथ करते हैं, ये सनातन को टारगेट करते हैं। मैं फिर से कहती हूँ, अगर सनातन के लिए कोई गलत करेगा, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो चाहे हमारा बाप हो, इसी तरह से बेइज्जत होगा। बायकॉट में बैन होनी चाहिए भैया, हमें क्यों नहीं हो रही मूवी? तो तुम बैन करा दो ना, तुम्हारे तुम्हारे तो परिवार में से बैन करवा दो, तुम क्यों नहीं बैन करवा रहे हो?
चाहते हो, तुम चाहते हो कि शाहरुख खान हमारा भाई आए आगे। तुम जितने चलाक हो ना मैं जानती हूँ, तुम शाहरुख खान को लाना चाहते हो, पर याद कर लेना शाहरुख खान जूते की नोक पे रखते हम सरकार। तो आपके आप बैन करवाओ ना। हाँ तो बैन हो जाएगी। हाँ, बैन होगी होगी। तुम्हारे अंदर अब खुलबुली बची हुई है कि बैन ना हो कहीं माता जी ऐसे बोले, है ना, क्योंकि तुम्हारा भाई है शाहरुख खान। मेरा भाई नहीं है वो, मेरा भाई नहीं वो तुम्हारा भाई है, मैं आपका रिश्तेदार है। नहीं नहीं, उनकी बीवी तू तो क्या करे, कभी वो भी लव जिहाद में मर जाएगी, हमें क्या मतलब है उससे। है तो है, किस दिन उसका भी जनाजा निकल जाएगा। शाहरुख खान कह रहे सीट की पेटी बांध लो, अब जो तूफान आने वाला है। वो कह रहे कि मैं छोटी छोटी ये हवाओं से नहीं, शाहरुख खान छोटी छोटी हवाओं से नहीं, तुझे जड़ से उखाड़ के सनातनी में फेंक दिया है। क्या करने वाले हैं पठान का विरोध करने के लिए? क्या करने वाले हैं अभी उसका वो कहा है भैया बजरंगी, अभी 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 बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान। वो तो सलमान लोग तो इस्लाम के मौलाना भी कह रहे हैं कि हम भी पठान का समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लाओ कहाँ वो? अच्छा आपका फोटो भी लाइयो माँ। ये तुम्हारा भाई शाहरुख खान, इसका फोटो तो भी लेगा। आप फैन तो नहीं हो शाहरुख खान के? बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्या बात कर दी तुमने। ये क्या कर रही हो पीछे? ए, भाई पीछे रहो, पीछे रहो। चल मत जाना, आप मत जल जाना। अरे मैं नहीं जलती, तू अपना ध्यान रख मेरे भाई। अरे ये तो दीपिका। अरे कोई भी हो जो भगवे के सम्मान में नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं होता भैया। तुम मेरी जैसे आज ये पुतला जल गया है क्या? फिल्म फिल्म संस्कार। ये शाहरुख खान हाथ से को, हाथ से को, हाथ से कहा जा रहा है। ये शाहरुख खान का दास संस्कार हुआ है। ये अलाउ नहीं है। चलिए ऐसे ऐसे मिट्टी हो जाएगा, जैसे जल के मिट्टी हो गया ना राख, इसी तरह से राख बनता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।